अस्सलाम वालेकुम क्लास, टुडे इज़ योर थर्ड लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने पिछले दो लेक्चर्स में एक्सरसाइज 1C के 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7 और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 8 भी आज ही हम लोग कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक चीज़, कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए क्वेश्चन नंबर 4 और 5, जिसमें हम लोगों ने हैचिंग के ज़रिए से ए यूनियन बी, ए यूनियन सी और डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए, आज वही चीज़, वही क्वेश्चंस, वही टेक्निक हम लोगों ने दोबारा करनी है। ये क्वेश्चंस जो आगे हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ये सेम उसी पैटर्न पे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, बाय यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉज। एसोसिएटिव लॉ में पता है दो होते हैं, एक एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एक होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ये उसने क्वेश्चन आपको गिवन है। अच्छा, जब भी अब इसमें दो टू साइड्स हैं, आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं हम अगर क्वेश्चंस टेबुलर फॉर्म में हमारे पास, जैसे हम करते थे लेफ्ट हैंड साइड सेपरेट सॉल्व की, राइट हैंड साइड सेपरेट सॉल्व की, सेम इसी तरह इसमें भी हम लेफ्ट साइड के लिए वेन डायग्राम सेपरेट बनाएंगे और राइट साइड के लिए वेन डायग्राम सेपरेट सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट अगेन, ये सेम वही क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था कल क्वेश्चन नंबर 4। ये देखें, ये हुआ मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, सेम वही क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन। लेफ्ट साइड पे मेरे पास लिखा है ए यूनियन बी ब्रैकेट में है और उसका फर्दर यूनियन सी के साथ, और राइट हैंड साइड में बी यूनियन सी ब्रैकेट में है और उसका फर्दर यूनियन ए के साथ है। करना वही पैटर्न, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और रेक्टेंगल डिनोट करती है यूनिवर्सल सेट को, और ए बी सी 3 सेट्स हैं, इट मीन्स 3 सर्कल्स, ए बी एंड सी, दिस वन इज ए बी एंड सी, और ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट। सेम फॉर राइट साइड, शेडिंग अभी बाद में करते हैं, पहले फिगर ड्रॉ कर लूँ मैं। 3 सेट्स मीन्स 3 ओवरलैपिंग सेट्स, ए बी एंड सी, दिस वन इज ए बी एंड सी। अब लेफ्ट हैंड साइड उसको छोड़ दें अभी। लेफ्ट हैंड साइड में मैथमेटिक्स रूल है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, लेफ्ट हैंड साइड पर ब्रैकेट लगी ए यूनियन बी पे, मैंने पहले ए और बी को यूनाइट करना है। मैंने आपको कहा था डबल स्टेप क्वेश्चन हो, फर्स्ट स्टेप हॉरिजॉन्टल लाइन से और सेकंड स्टेप वर्टिकल लाइन से। सेम चीज़, ए यूनियन बी ब्रैकेट में है तो यूनियन करना है, ए को हमने यूनाइट कर देना है बी के साथ, दिस वन इज़ ए और इसका फर्दर यूनियन लिया बी के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी ए और बी में, ये मेरा ए यूनियन बी हो गया। सी का पोर्शन आ रहा है नहीं आ रहा हमारा, उसे हमने उसको नहीं देखना, हमने जस्ट ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, विच इज़ ए यूनियन बी। मैंने ए और बी होल सर्कल, पूरे के पूरे ए और बी के सर्कल को यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन शेड कर दिया, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इस शेडेड पोर्शन का मैंने फर्दर यूनियन लेना है सी के साथ, और सेकेंड स्टेप वर्टिकल लाइन से इसका फर्दर यूनियन सी के साथ लेना है। तो सी में वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, कल भी बताया था यूनियन करना है, तो ये वर्टिकल लाइन जब तक सिर्फ सी में रहेंगी ये यूनियन नहीं हुआ, ये वर्टिकल लाइन का सी के साथ हमने इसको मिलाना है ए बी को, तो ये वर्टिकल लाइन एक्सटेंड हो जाएंगी ए बी में, तो ये वर्टिकल लाइन मैंने ए बी के साथ भी लगा दी, इट मीन्स वर्टिकल लाइन के जरिए मैंने इस शेडेड पोर्शन का यूनियन ले लिया सी के साथ, ये मेरा क्वेश्चन हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और नीचे मैंने मेंशन कर दिया कि जो ब्रैकेट है वो मेरे पास अब हैच पोर्शन बन रहा है, देख रहे हैं आप लोग हैच पोर्शन, ए यूनियन बी में आपको हैच पोर्शन नज़र आ रहा है, और जो टोटल क्वेश्चन है ए यूनियन बी फर्दर यूनियन सी, ये मेरे पास इसमें हैच पोर्शन भी है एंड वर्टिकल लाइंस भी हैं। ठीक है, सेम इसी पैटर्न में हमने राइट हैंड साइड करनी है। अब राइट हैंड साइड में ब्रैकेट है बी और सी पे, तो बी और सी को यूनियन लेना मैंने पहले हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये बी में और यही लाइन आगे सी में, ये देखें ये मैं सी में लेके जा रहा हूँ, सी सर्कल, ये
ये बी और सी का यूनियन हो गया मेरा, ये मेरा बी और सी का यूनियन हो गया, ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब इस शेडेड पोर्शन का फर्दर यूनियन लेना है ए के साथ, फर्दर यूनियन ए के साथ इट मीन्स वर्टिकल लाइन, सेकंड स्टेप वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की, जब तक ये ए में रहेंगी यूनियन पूरा नहीं हुआ, इन वर्टिकल लाइंस को एक्सटेंड कर देना है शेडेड पोर्शन यानी बी और सी के साथ भी। अब इसको यूनाइट किया मैंने, अब इसका मकसद पूरा हुआ, अब ये क्वेश्चन मेरा पूरा हुआ। और मैंने नीचे लिख दिया कि जो मैंने ब्रैकेट सॉल्व की बी यूनियन सी, वो है मेरे पास, ये देखें बी और सी में क्या नज़र आ रहा है मुझे, हैच पोर्शन, हैच है। मैंने बता दिया उसको कि बी यूनियन सी हैच पोर्शन है, और जो टोटल क्वेश्चन है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, ये मेरे पास, इसमें मेरे पास हैच भी है एंड वर्टिकल लाइन भी है, पूरे में एच भी है और वर्टिकल लाइन भी है। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। एनी कन्फ्यूजन, होप नहीं होगी कोई कन्फ्यूजन, सेम वही क्वेश्चन है जो कल भी किया था, वही चीज़ें हैं। तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस अगेन हो गई। अब इसी का सेकंड पार्ट है, वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन था जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया। ये अब नेक्स्ट आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, इसमें हम लोगों ने वही पैटर्न इंटरसेक्शन करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में, फर्दर इंटरसेक्शन सी के साथ, और राइट हैंड साइड है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब पैटर्न वही, रेक्टेंगल ड्रॉ की, थ्री ओवरलैपिंग सर्कल्स मीन्स वन टू एंड थ्री, इधर भी राइट साइड के लिए भी थ्री ओवरलैपिंग सर्कल्स मीन्स वन टू एंड थ्री। रेक्टेंगल इज यू 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 फॉर यूनिवर्सल सेट, सेट ए बी सी, सेट ए बी एंड सी। इसमें अब करना है मैंने इंटरसेक्शन, वही चीज़ है। लेफ्ट साइड पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में है मेरे पास ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, इंटरसेक्शन हम लोग लेते हैं कॉमन पोर्शन, तो ए और बी का कॉमन रीजन है मेरे पास ये वाला, ये दिस वन, ये कॉमन पोर्शन ए और बी का, ए सर्कल और बी सर्कल, इनका कॉमन पोर्शन है ये। तो फर्स्ट स्टेप हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो इस पोर्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इस शेडेड पोर्शन का फर्दर इंटरसेक्शन है सी के साथ, इस शेडेड पोर्शन का सी सर्कल के साथ इंटरसेक्शन बनता है ये रीजन, ये वाला, ये देखें ये इतना सा, ये इस पोर्शन में लगा दूंगा सेकंड स्टेप वर्टिकल लाइन से। तो ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पूरा हो गया। और नीचे मैंने उसको बता दिया कि ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी ये पोर्शन में मुझे क्या क्या नज़र आ रहा है, कहीं पर हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है, कहीं पर हैच। ए इंटरसेक्शन बी में हॉरिजॉन्टल लाइन भी है और हैचिंग भी है, ये मैंने उसको बता दिया। और जो टोटल क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो ये पोर्शन था उसमें मुझे सिर्फ क्या नज़र आ रहा है, हैचिंग, ये मेरा क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड हो गई। सेम पैटर्न पे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ब्रैकेट है बी और सी पे, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है मैंने, बी और सी का कॉमन पोर्शन, उस बी और सी का कॉमन पोर्शन है बी और सी, ये बी सर्कल ये सी सर्कल, इनका कॉमन पोर्शन है ये आपको नज़र आ रहा है, देख रहे हैं। इस पोर्शन में फर्स्ट स्टेप है, तो इस पोर्शन में मैंने लगा दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इस शेडेड पोर्शन का मैंने फर्दर इंटरसेक्शन करना है ए से, इस शेडेड पोर्शन का ए के साथ फर्दर इंटरसेक्शन ये बनता है, देखें इतना सा पोर्शन, ये ए के साथ ये वाला, इतना आ रहा है नज़र, ये देखें ये इतना सा ये बनता है। इसमें सेकंड स्टेप वर्टिकल लाइन से, तो इतने पोर्शन मैंने लगा दी वर्टिकल लाइन, और मैंने उसको नीचे मेंशन कर दिया कि जो मैंने पहला स्टेप किया ब्रैकेट बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, वो मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी। अब उसमें मुझे क्या नज़र आ रहा है, कहीं पे हैच नज़र आ रहा है, कहीं पे हॉरिजॉन्टल, बी इंटरसेक्शन सी में हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं और हैचिंग भी है। और जो टोटल क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, जो ये पोर्शन था उसमें सिर्फ क्या है, उसमें सिर्फ हैचिंग है, क्लियर है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वही चीज़ें हैं जो कल की, उसी से आगे लॉज है, कोई ऐसी न्यू नई चीज़ नहीं है, कल वाली ही चीज़ें रिपीट हो रही है।
कल वाले ही कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं, कल वाले ही कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, बाय यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहले जो क्वेश्चन किया वो एसोसिएटिव लॉ था, अब जो करने लगे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमें पता है दो है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन है जो ये आपके पास लिखा हुआ है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों कहते हैं, मैंने पहले भी रीज़न मेंशन की थी कि इसमें देखें ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया बी और सी के साथ, नेक्स्ट स्टेप में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी था, ए यूनियन बी हो गया और ए यूनियन सी हो गया, ये ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया बी और सी के साथ, इस वजह से इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। और यूनियन लगा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन लगा होता तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब करते हैं हम इसको पैटर्न वही, पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखना भूल गया, लेफ्ट हैंड साइड इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। थ्री ओवरलैपिंग सर्कल्स ए बी एंड सी, यू ए बी सी, सेम फॉर राइट हैंड साइड विच इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। वन टू थ्री। अच्छा ये क्वेश्चन गौर से देखना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे वही कॉन्सेप्ट, पहले हम फोकस करेंगे ब्रैकेट को, फर्स्ट स्टेप हॉरिजॉन्टल लाइन से, सेकंड स्टेप वर्टिकल लाइन से, बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट में मेरे पास लिखा है बी इंटरसेक्शन सी, बी का इंटरसेक्शन लेना मैंने सी के साथ, बी का इंटरसेक्शन लेना मैंने सी के साथ। अब बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में हम लेते हैं कॉमन पोर्शन, तो दिस वन इज़ कॉमन पोर्शन ऑफ बी एंड सी, तो फर्स्ट स्टेप में हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं हम, ये मैंने फर्स्ट स्टेप मेरा हो गया बी और सी का इंटरसेक्शन हो गया। अब इस शेडेड पोर्शन का, इस शेडेड पोर्शन का मैंने यूनियन करना है के साथ, यूनियन में करते हैं हम यूनाइट, तो इस शेडेड पोर्शन को ए से यूनाइट करना है, यूनियन सेकेंड स्टेप और वर्टिकल लाइन से, ए में मैंने वर्टिकल लाइन लगा दी। अब जब तक ये ए में रहेंगी इसका यूनियन पूरा नहीं हुआ, इसको आपने शेडेड पोर्शन के साथ मैच करना है, ए के साथ इसको शेडेड पोर्शन में लेके जाना है, बी और सी में नहीं लेके जाना पूरा, वो ए यूनियन बी यूनियन सी था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी ये था, इस शेडेड पोर्शन को फर्दर यूनाइट करना है ए के साथ, तो वर्टिकल लाइन ए के साथ साथ इस शेडेड पोर्शन में भी ड्रॉ करनी है, तब आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। ये मेरा क्वेश्चन हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गई, नीचे मैंने उसको मेंशन कर दिया कि बी इंटरसेक्शन सी जो कि मेरा फर्स्ट स्टेप था वो मैंने कैसे, वो ये पोर्शन उसमें मुझे क्या नज़र आ रहा है, इस पोर्शन में आपको हैचिंग नज़र आ रही है, तो बी इंटरसेक्शन सी में हैचिंग है और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में मेरे पास इस पूरे में कहीं पे वर्टिकल लाइन है और कहीं पे हैचिंग है, इसमें वर्टिकल लाइंस है एंड हैचिंग है, ये आपका एक साइड लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब आते हैं राइट साइड पे, अब यहाँ देखें ये थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट कैसे, यहाँ आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं, एक ए यूनियन बी है और एक ए यूनियन सी है। अच्छा अब करना क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, सेकंड ब्रैकेट हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप को आपने करना है हॉरिजॉन्टल लाइन से, सेकंड स्टेप को आपने करना है वर्टिकल लाइन से, ए यूनियन बी, ए को बी के साथ यूनाइट करना है, ए को यूनाइट कर दिया मैंने बी के साथ, ये मेरा ए यूनियन बी हो गया, ठीक है ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, जो कि मैंने ये ब्रैकेट सॉल्व की, पहली ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट ए यूनियन बी, सेकंड ब्रैकेट है मेरे पास ए यूनियन सी, सेकंड ब्रैकेट है मेरे पास ए यूनियन सी, ए को सी के साथ यूनाइट करना है, ए को सी के साथ, तो ए और सी में लगा देंगे हम, सेकेंड स्टेप है तो वर्टिकल लाइन, ए यूनियन सी में फाइंड कर रहा हूँ, ये ए सर्कल और इसको मैंने यूनाइट करना है सी के साथ, बी के साथ में, ये देखें ए यूनियन बी हॉरिजॉन्टल लाइन से, ए यूनियन सी वर्टिकल लाइन से, फिर
अच्छा पीछे रह गया, आप लोग कहेंगे सर ये इंटरसेक्शन कहाँ गया। इस क्वेश्चन की एक करेक्टरिस्टिक समझने, एक खसूस, एक उसकी इम्पोर्टेंस समझने, कुछ भी समझने इसको, कि ये क्वेश्चन जब आप फर्स्ट स्टेप को हॉरिजॉन्टल लाइन से और सेकंड स्टेप को वर्टिकल लाइन से करेंगे तो आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। आपने जस्ट उसको नीचे मेंशन करना है कि ए यूनियन बी में मेरे पास, ए यूनियन बी में मुझे क्या नज़र आ रहा है, ए और बी में क्या क्या नज़र आ रहा है, कहीं कहीं पर हैचिंग नज़र आ रही है और साथ हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है। ए यूनियन सी में, ए और सी में मुझे क्या क्या नज़र आ रहा है, कहीं कहीं पे हैचिंग और कहीं कहीं पे वर्टिकल लाइन, कहीं कहीं पे हैचिंग है, ए और सी की बात कर रहा हूँ सेकेंड स्टेप, और कहीं कहीं पे मेरे पास वर्टिकल लाइन है। बस ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, बस इतनी सी चीज़ है इसमें। राइट हैंड साइड में जहाँ डबल ब्रैकेट आ जाए, जहाँ भी डबल ब्रैकेट आ रही है आपके पास, आपने फर्स्ट ब्रैकेट को हॉरिजॉन्टल लाइन से करना है, सेकंड ब्रैकेट को वर्टिकल लाइन से करना है, आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को मैं एज ए होमवर्क, एज ए प्रैक्टिस दे रहा हूँ, वो आप लोगों ने खुद करना, ठीक है? सेम चीज़ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी भी तो इंशाल्लाह, उम्मीद तो है नहीं होगी, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जब भी हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, किसी क्वेश्चन, किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन होगी इन क्वेश्चन में तो ही मैं आस्क। अच्छा अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं शो बाय वेन डायग्राम द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग ओवरलैपिंग सेट्स। कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था यू माइनस, जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसको यू में से हम सिंपली कर देते थे माइनस। ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, एक्स कॉम्प्लीमेंट यू माइनस एक्स, यू कॉम्प्लीमेंट यू माइनस यू। सिंपली जिस चीज़ का भी आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको आपने यू में से कर देना है माइनस, यूनिवर्सल सेट में से उसको आपने माइनस कर देना है। फर्स्ट पार्ट है इसका, उसने लिखा हुआ है ए यूनियन बी। अब इसमें सी नहीं है, ठीक है? हम थ्री सर्कल बनाते थे जब हमारे पास थ्री सेट्स होते थे ए बी सी, यहाँ पे टू सर्कल हैं तो हमें थर्ड सर्कल की ज़रूरत ही नहीं है। टू सेट्स हैं यहाँ पे, ए और बी, सी कहीं पे भी नहीं है, तो मुझे यहाँ थर्ड सर्कल की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट ए और बी, ये दो सर्कल। ओवरलैप मैंने क्यों कराया, क्योंकि स्टेटमेंट लिखा हुआ है ओवरलैपिंग सेट होने चाहिए। रेक्टेंगल इज यूनिवर्सल सेट, फर्स्ट सेट इज ए, सेकेंड सर्कल इज बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हम करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हमें पता है ए यूनियन बी, मैंने ए और बी को ये कर दिया यूनाइट। अब ये मेरा ए यूनियन बी फाइंड हुआ है, उसने मुझसे क्या पूछा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इसको, इस शेडेड पोर्शन को मैंने यू में से माइनस कर देना है। अब फर्स्ट स्टेप मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन से हो गया, सेकेंड स्टेप मैंने किससे करना है फिर, वर्टिकल लाइन से। फर्स्ट स्टेप हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकेंड स्टेप वर्टिकल लाइन, मेरा पैटर्न ही चेंज होना किसी भी क्वेश्चन में, यही पैटर्न रहना है। फर्स्ट स्टेप विच वॉज ए यूनियन बी, ये मैंने ए और बी को हॉरिजॉन्टल लाइन से सॉल्व कर लिया, मैंने फाइंड करना है इसका कॉम्प्लीमेंट, इस शेडेड पोर्शन को मैंने यू में से करना है माइनस। अब ये पूरी रेक्टेंगल यू है, इस पूरे यू में मैं वर्टिकल लाइन लगा दूंगा, लेकिन इस पोर्शन में मैं वर्टिकल लाइन नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने इस शेडेड पोर्शन को यू में से माइनस करना है, ठीक है? मैंने इसमें क्यों नहीं लगाई, क्योंकि अगर वर्टिकल लाइन इसमें भी लगा देता तो ये यू में से माइनस नहीं होता। ये मैंने पूरा यू यूनिवर्सल सेट, जो पूरी रेक्टेंगल जिसमें वर्टिकल लाइन लगा दी, इन दो इन शे इस शेडेड पोर्शन को छोड़ के, बाकी पूरे रेक्टेंगल को मैंने वर्टिकल लाइन से शो कर दिया। ये मेरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो गया, यू में से मैंने ए यूनियन बी माइनस कर दिया। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका सेकंड पार्ट देखिए आप, वो लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, सेम कॉन्सेप्ट, टू ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये बी है। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन पोर्शन, ये कॉमन पोर्शन उनका, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन से ए इंटरसेक्शन बी फाइंड हो गया।
अब मैंने इस शेडेड पोर्शन को करना है यू में से माइनस, कॉम्प्लीमेंट है ना, यू माइनस दिस शेडेड पोर्शन। तो पूरे यू में मैं वर्टिकल लाइन लगा दूंगा, सिर्फ शेडेड पोर्शन में लगानी, सर्कल की मैं बात नहीं कर रहा, आपने सर्कल नहीं देखना, सिर्फ शेडेड पोर्शन देखना है। यहाँ मैं सर्कल में क्यों नहीं आया, क्योंकि शेडेड पोर्शन इधर भी था इधर भी था, जितना शेडेड पोर्शन है हॉरिजॉन्टल लाइंस का मैंने सिर्फ वो स्किप किया है। आपने सिर्फ शेडेड पोर्शन स्किप करना है, ये नहीं देखना कि सर्कल में आ रही है या नहीं, हमें उसे नहीं, हमने उसको वो नहीं देखना, हमने जस्ट इस हॉरिजॉन्टल लाइंस में वर्टिकल लाइन पास नहीं करानी। इन सिंपल वर्ड्स आपने कहीं हैच नहीं बनने देना बस, क्योंकि आप खुद देखें अगर यहाँ मैं वर्टिकल लाइन लगा देता तो इस पोर्शन में क्या बन जाता, हैच बन जाता। कॉम्प्लीमेंट में कभी भी आपका हैच नहीं बनेगा, एक याद रखनी है ये बात। तो सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइंस वाली जो है, हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला एरिया है, आपने वहाँ से वर्टिकल लाइन पास नहीं करानी, बाकी ऑल रेक्टेंगल में आपकी वर्टिकल लाइंस होंगी। तो ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो गया, सिंपल। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, ए माइनस बी। माइनस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेट की वो वैल्यू, फर्स्ट सेट का वो पोर्शन जो सेकंड में है वो नहीं लेते, ऐसे ही करते हैं ना, फर्स्ट सेट को फोकस करते हैं। तो ए माइनस बी कर रहे हैं मैंने, ए माइनस बी मीन्स फोकस मैंने किसको करना है, फर्स्ट सेट को, विच इज ए। ए माइनस बी ये मैंने ए का वो पोर्शन शेड कर दिया जो बी के साथ नहीं आ रहा, ये पोर्शन आ रहा था ना बी के साथ, वो नहीं शेड किया, बाकी सारा ए शेड हो गया, तो ये मेरा ए माइनस बी आ गया। अब मैंने लेना इस पोर्शन का कॉम्प्लीमेंट, तो मैं पूरी रेक्टेंगल में वर्टिकल लाइन लगा दूंगा सिर्फ इस शेडेड पोर्शन को छोड़ के, सिर्फ इस शेडेड पोर्शन में मेरे पास वर्टिकल लाइन नहीं आएंगी, बाकी पूरे रेक्टेंगल में वर्टिकल लाइन आ जाएंगी, चाहे वो सर्कल से पास कर रही हैं चाहे नहीं कर रही, हमें उसको नहीं देखना, हमने बस हैच ही बने देखा देना। देखें सिर्फ इस पोर्शन में मैंने वर्टिकल लाइन नहीं ड्रॉ की, ये मेरा ए माइनस बी हो गया। और लास्ट पार्ट है इसका, यहाँ पे कर रहा हूँ फोर्थ पार्ट, बी माइनस ए। बी माइनस ए सेम चीज़, ए सर्कल बी सर्कल, ये ए है ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट, बी में से ए माइनस करना है। तो बी फर्स्ट सेट इज इन दिस केस बी, इसमें फर्स्ट सेट ए था, इसमें फर्स्ट सेट बी है। बी माइनस ए में मैंने बी का वो पोर्शन जो ए में आ रहा है वो शेड नहीं करना, बी का वो पोर्शन जो ए के साथ आ रहा था वो मैंने शेड नहीं किया, बी माइनस ए हो गया। अब